पेश बहा दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े क्विक टाइम में हम जल्दी जल्दी आपको आज वार्निश पेंटिंग पे अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। उसमें आपने जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि वार्निश आपने दो सूरतों में अप्लाई नहीं करनी पेंटिंग पे। एक वो पेंटिंग जिस पे आपने मार्कर से लिखा है, जिस पे भले आप सिल्वर, गोल्डन, वाइट, ब्लैक, रेड या किसी भी परमानेंट या पेंट मार्कर से आपने राइटिंग की है, उस पे आपने वार्निश अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, लीफ पे, चाहे वो लीफ सिल्वर हो, गोल्डन हो, आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, इन पे आपने वार्निश अप्लाई नहीं करनी। सिल्वर, गोल्डन, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल, इन पे वार्निश अप्लाई नहीं करनी। इन पे लैकर ही लगेगा, मार्कर्स पे भी लैकर ही लगेगा और इन पे भी लैकर ही लगेगा, ठीक है। वो पेंटिंग जो आप ऑयल पेंट से बनाएं या एक्रेलिक पेंट से बनाएं या वाटर कलर से बनाएं, उस पे आप वार्निश आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा डिसेंट और हैंडसम रिजल्ट आता है इस पे कैनवस पे वार्निश का, ठीक है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है जो बातें मैंने आपको पीछे बता दी है। अब आप ये देखिए कि वार्निश में हमने मिकदार क्या रखनी है, मट्टी के तेल की और वार्निश की। अब मैं अपने कैमरा मैन साहब, प्रोड्यूसर साहिबा हैं, वो कैमरा मैन तो नहीं है, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा क्लोज करें और आपको पता चले कि वार्निश कितनी है और इसमें तेल कितना है और ये रंग भंग क्या चक्कर है सारा, ठीक है। चलिए आए देखते हैं। हाँ जी, प्रोड्यूसर साहब शुरू करें। जी सर, कर दूँ? आपने वो कर दिया, जूम कर दिया। चलिए ये देखिए बच्चों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी इसकी मिकदार कि हमने इसे बहुत ज़्यादा थिन रखना है, थिन रखना है। वो देखो जी, वो बड़े साथ बोल पड़े हैं जी। तो ये जब हो जाए ना, जब वही पर लग जाते हैं ना फिर। अच्छा, अब बहुत थोड़ी सी मिकदार है बस के हिसाब से, जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, वो कह रही है बैठो, तो मैं बह गया। अब ये देखिए इतनी सी वार्निश है। अब मैंने इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास वार्निश से 75% मैंने इसमें कैरेसिन ऑयल डालना है, यानी जितनी वार्निश है उससे तकरीबन 75 गुना ज़्यादा। यानी अगर एक स्पून वार्निश है तो 3 स्पून इसके कैरेसिन ऑयल यानी मट्टी के तेल के। अब इसे मैं करूँगा मिक्स। अब आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा थिन चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा लिक्विड चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, थिक ना होगा, थिक नहीं करना इसे। अच्छा, इसको समटाइम आप डबल कोट नहीं कर सकते है ना, वैसे करना इसे डबल कोट ही चाहिए। पतला रख के जब आप इसे करेंगे ना डबल कोट, फिर इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि कैनवस में रिफ्लेक्शन होनी नहीं चाहिए। नेचुरली जो जहाँ जो वेस्टर्न में होते हैं ना पेंटिंग्स पे वार्निश, वो इसी तरह की जाती है, उसको बड़ी डिम वार्निश की जाती है, ओरिजिनल हालत में रहती है। और उसको वार्निश इसलिए की जाती कि कलर्स प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि कहीं ऑयल गिर जाए, कोई ऐसा लिक्विड गिर जाए तो जिससे कलर उतरने का खदशा ना हो, ठीक है। अदरवाइज वार्निश होती है, पेंटिंग की ब्यूटी मैट में ही होती है जो कैनवस पे बनती है, ठीक है। आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी इस पर, मैं इसीलिए गिरा रहा हूँ कि मैंने इसी पर ही करनी है। अब देखिए कैमरा अपना प्रोड्यूसर साहब ज़रा आ जाए, इस तरफ आ जाए, बिल्कुल आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए जल्दी से, ये आ गए। अब देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ से है मेरी पेंटिंग, और ये देखिए बहुत ज़्यादा, आप चेक करें कितना ही लिक्विड है। ये देखिए तकरीबन 25% इस पर वार्निश है, ये देख लें, और 75% मट्टी का तेल है, ये देखिए। अब जब आपको ये प्रोड्यूसर साहब इसका एक फाइनल व्यू दिखाएंगे और हमें बताएंगे बस 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 बस, तो वो फिर ये देखिए, ये एक दफ़ा आपको एंड पे ना फाइनली इसका जो है ना एक व्यू वो भी दिखा देंगे। बल्कि ये पेंटिंग मेरी जो है ना, ये जा रही है अभी फ्रांस,
सुबह ही अभी आएगी। अभी तो मैं इसको ना प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, फाइनल इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी साइडें ब्लैक करूँगा और फिर इसको मैं ये निकाला, मेरा पार्सल जो है ये चला जाएगा फ्रांस। और आपने मेरे लिए भी दुआ कर दी है, मैं आप सबके लिए बहुत सी दुआएं करता हूँ। सब मुझे कहते हैं सर हमारे लिए भी दुआ करें, सर कहते हैं मेरे लिए करें, ये दुआओं का सिलसिला ही होता है एक दूसरे के लिए। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि ज़रा स्पीड ही कर लें ताकि आप लोग ज़्यादा देखने के आती नहीं है मुझे ना, हाँ ना ऐसे ही है ना। तो अब सिर्फ एक मिनट के लिए ना मैं इसे, अच्छा इसको आपने इस तरीके से करना है और जब आपने इसे रखना है तो जिस शेप में पड़ी हुई है ये ना इसी शेप में इसे रखना है। क्योंकि इसको बनाने के बाद कम से कम कितने दिन धूप में ड्राई करना है? कितने दिन नहीं, अगर धूप में रखना है तो 2 घंटे बाद ये दिखाऊंगा। और उसके बाद देखिए मैं इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से ब्रश जो है वो कर रहा हूँ, उससे जो है ना इस पे ब्रशेस वो अप्लाई करो ताकि किसी भी तरह से कहीं पे ना कोई जगह रह जाए और ना कोई पे वो लिक्विड जो है वो इकट्ठा रह जाए। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से इसका एक व्यू दिखाता हूँ और आपसे लेता हूँ इजाज़त क्योंकि आप मुझे देखना नहीं चाहते ज़्यादा देर। ठीक है चले दिखाएं जी पर सब स्टॉप करके। जी बेटा ये है, ये देखिए ये वार्निश अप्लाई कर दी मैंने, ये सारे आप देख रहे हैं ना ये सारी, अभी ये कुछ देर में तकरीबन 2 घंटे बाद ये ड्राई हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, हाँ चले ओके अल्लाह हाफिज़।